हेलो फ्रेंड्स दिस इज सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट स्टडी इंडिया पे तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डैम्पिंग इफेक्ट के बारे में तो डैम डार्मोनिक के बारे में क्या बोला गया था कि जब भी कोई सर्टेन पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो एक्चुअल केसेज में उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करता है और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है पार्टिकल की एम्पलीट्यूड को विद रिस्पेक्ट टाइम जो है कम कर देता है तो इस सर्टेन केस को कंसिडर करते हुए जो हमने जो हमने डैब्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी वो हमें मिली थी एज डी टू वाई अपॉन डी टी टू प्लस आर अपॉन एम डी वाई अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम वाई इज इक्वल्स टू जीरो और इस सर्टेन केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि डी टू वाई अपॉन डी टी टू प्लस आर अपॉन एम को टू बी कंसिडर कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी प्लस इसको क्या माना ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो और यही हमारी डैम हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो डैम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज कर लिए हैं तो इस सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए यहां से हम लोगों ने डैम्ड के सॉल्यूशंस को सॉल्व uh, किया था जो जनरल सॉल्यूशन हमारा आया था उससे हम लोगों ने तीन केसेस के बारे में पढ़ा था एंड आफ्टर दैट इस सर्टेन केस में जहां पे हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करनी है डैम्पिंग इफेक्ट की वो हमें दिखा था किसमें अंडर डैम्पिंग के केस में जहां पे जो हमारा पार्टिकल था वो एक डैम्ड ऑसिलेटरी मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा था तो इस टर्म में अगर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात की जाए तो उस टर्म में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के बारे में तो सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो था वो रेट था एट व्हिच द एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस टू जीरो तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बेसिकली हमें यह बताता था कि किस रेट से हमारा एम्पलीट्यूड जो है डैम हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में रेड्यूस करेगा टू जीरो क्यों क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता रहता है और वो पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को कम करता रहता है तो यहां पे हम इसी केस की बात करने वाले हैं कि, कि किस रेट के साथ जो है एम्पलीट्यूड हमारा रेड्यूस कर जाता है तो अगर डैम्पिंग ऑसोलेटरी सिस्टम की बात करें तो उस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई थी वो हमें मिली थी वाई इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस बी टी साइन बीटा टी प्लस के बराबर तो ये जो थी हमारी डैम्पिंग ऑसिलेटरी केस की डिस्प्लेसमेंट इवेंट थी जो कि हमें अंडर डैम्पिंग की केस में मिली थीट इज वाई इज इक्वल्स टू ए पावर माइनस बी टी साइन बीटा टी प्लस फाइव के बराबर जहां पे ए टू दावर माइनस बी टी हमारा एम्पलीट्यूड था जो कि डीकेइंग एम्पलीट्यूड को बता रहा है बीटा जो है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन का अब क्या बोला गया कि अगर हम फाइव को पाई बाई टू कंसिडर कर लेते हैं दैट इज मान लिया कि लेट फाइव इज इक्वल्स टू पाई बाई

और ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल दिया कि इस केस में तो ई टू दावर माइनस बी टी कॉस बीटा टी ये रेड्यूस हो गया डिस्प्लेसमेंट हमारा जब फाइव हमने पाई कर लिया और एम्पलीट्यूड हमारा ए नॉट हो गया इस केस में क्या बोला गया कि अगर हम सर्टेन टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट देखे पार्टिकल का तो वो हमें क्या मिल सकता है तो क्या देखा गया कि अगर टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो हम कंसिडर करते हैं तो उस केस में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की या ऑसिलेटर की वो क्या हो जाएगी ई टू द पावर माइनस जीरो या माइनस भी इन जीरो कर देंगे तो ई टू पावर जीरो और ए नॉट जो होगी वो क्या होगी एम्पलीट्यूड होगी दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट टीवल्स टू जीरो से क्या देखने देखा गया कि डिस्प्लेसमेंट किसी सर्टेन टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हमें मिल रहा है जो कि

Amplitudes के या अलग अलग सर्टेन टाइम पे किस तरीके से एम्प्लीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है तो एट टाइम टीज इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ रहेगा और कितनी एम्प्लीट्यूड पजिस करेगा अब क्या बोला गया कि लेट लेट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट आर द एम्प्लीट्यूड आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द ऑसिलेटर एट टाइम अलग अलग टाइम पे एट टाइम टी टू टी थ्री टी एंड so तो क्या बोल दिया गया कि जब टाइम देखा गया तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा था ए नॉट के बराबर या डिस्प्लेसमेंट जो था वो ए नॉट के बराबर मिला अब हमें देखना है कि अलग अलग टाइम पे जो हमारा ए वन ए टू ये सारे एम्प्लीटूड मिल रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या आ रही होगी तो देखते हैं कि एट टाइम t capital t में जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर मिलेगा तो एट टाइम t is equals to capital t हमारा एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो क्या है t पे जो एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है a1 अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये आया बट सिर्फ और सिर्फ हम इसके एम्पलीट्यूड को कंसीडर करेंगे इसके एम्पलीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट की जो एम्पलीट्यूड है वो है ए टू दावर माइनस बी टी और जो मैक्सिम uh, डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे, है, तो ए नॉट ई टू दावर माइनस बी टी यहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लीटूड को कंसिडर किया जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं और वो एम्प्लीट्यूड के रेशियोज को दैट इज कैसे एम्प्लीटूड जीरो के टू वर्ड रेड्यूस हो जा रहा है उसकी बात की जा रही है तो इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑसलेटर में कंसिडरेशन की जाएगी एम्पलीट्यूड की तो देख लिया एम्पलीट्यूड हमारा ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी मिल रहा है तो क्या देखा कि जो एम्पलीट्यूड थी हमारी क्या मिल रही है ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी के बराबर अब यही जब हमने टीजिकल्स टू जीरो पे रखा तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हमें ए नॉट मिल गया अब अगर टाइम कैपिटल टी के बारे में बात करें तो कैपिटल टी टाइम पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है ए वन के बराबर हो जा रहा है तो ये एम्पलीट्यूड सर्टेड टाइम कैपिटल टी पे ए वन के बराबर हो गया तो ए वन हमारी एम्पलीट्यूड हो गई इज इक्वल्स टू क्या ए नॉट e टू द पावर minus b small t क्या हो जाएगा क्या सब्सटीट्यूट किया है कैपिटल t ए वन इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी के बराबर मिल गया इसी तरीके से अगर हम सर्टेन टाइम टी इज इक्वल्स टू टू टी पे बात करें तब जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या है टू टी टाइम पे एम्पलीट्यूड हमारा ए टू के बराबर है और ए टू क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए टू हो गया इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी और टाइम क्या हो गया टू टी के बराबर हो गया अब इस सर्टन को हम a1 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं दैट इज a0 e टू द पावर -bt dot e टू द पावर -bt लिख सकते हैं इसको और a0 e टू द पावर -bt a1 के बराबर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a1 e टू द पावर -bt के बराबर आ जाएगा सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं कि अगर टाइम t 3t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जो a3 की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी a0 e टू द पावर -b थ्री टी के बराबर आ जाएगी यहाँ से फिर से हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं कि e टू द पावर माइनस बी टू टी जो होता है ए टू के बराबर होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ए टू ई टू द पावर माइनस बी टी के बराबर लिख सकते हैं सिमिलरली अगर t इज इक्वल्स टू फोर टी पे देखा तो ए फोर क्या हो जाएगा ए फोर ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी फोर टी के बराबर दैट इज ए पावर माइनस बी टी के बराबर मिल जाएगा तो क्या देखा कि अलग अलग सर्टेन टाइम्स पे जो हमारे ऑसिलेशन के एम्प्लीटूड मिल रहे हैं वो सर्टेन इस रेट से मिल रहे हैं या इस सर्टेन वैल्यूज से डिनोट किए गए हैं अब क्या बोला गया कि अगर हमें दो एम्पलीट्यूड्स के रेशियोज की बात करनी है क्यों

ए नॉट अपॉन ए वन दैट इज ए नॉट एम्पलीट्यूड है अपॉन ए वन एम्प्टीट्यूड है उसका रेशियो क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन ई टू द पावर माइनस बी टी दैट इज ई टू द पावर बी टी हमें से लिख सकते हैं क्या हो गया ए नॉट अपॉन ए वन ए वन इधर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बी टी इधर आ गया डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में करेंगे तो साइन क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी सेम अगर यहां से कंसिडर करें ए टू और ए वन के रेशियो की बात ए वन अपॉन ए टू क्या हो जाएगा फिर से ई टू दावर बी टी मिलेगा सिमिलरली यहां से हम ए टू अपॉन ए थ्री करें तो ए टू अपॉन ए पावर बी बराबर सिमिलरली अगर हम ए थ्री अपॉन ए पावर बी टी के बराबर मिल जाएगा देर फोर क्या देखा गया कि हर एक कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो हमें मिल रहा है वो सेम मिल रहा है दैट इज ई टू द पावर बी टी के बराबर मिल रहा है तो इस सर्टेन केस को देखते हुए क्या बोला गया कि ये जो सर्टेन वैल्यू है वही हमारी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज क्या बोला गया कि अगर हम रेशियोस की बात करें देन ए नॉट अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए थ्री डॉट डॉट इसी तरीके से एम्पलीट्यूड के रेशियो को देखा गया तो ये सारे ही के सारे e to the power bt के बराबर मिले दैट इज हर एक दो कंसीक्यूटिव एम्पलीट्यूड का जो रेशियो आ रहा था वो e to the power bt के बराबर आ रहा था और इसी e to the power bt को हमने e to the power लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया जहां पे लैम्डा को क्या बोला कि लैम्डा इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो लैम्डा की वैल्यू थी वो हमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये लैम्डा क्या था bt के बराबर था और b की वैल्यू क्या रखी गई थी 2b is equals to r upon m सब्स्टिट्यूट किया है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में डैम हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में तो b is equals to क्या होता है r upon 2m तो यहां से क्या बोला गया rt upon 2m जो है हमारा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू आ गई अब क्या बोला गया कि ये तो सर्टेन वैल्यू मिल गई जो कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है अब नेक्स्ट क्या बोला गया कि ये जो लेमडा है वो बेसिकली क्या मिल रहा है कि अगर हम एक सर्टन रेशियो को कंसिडर करें तो ये तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की बात आ गई कि इस सर्टेन रेशियो से एम्पीट्यूड रिड्यूस कर रहे हैं अब अगर एक सर्टेन रेशियो कंसीडर किया जाए दैट इज ए नॉट अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू अगर किसके बराबर मिल रहा है ई टू द पावर लेमडा के बराबर अगर हम यहाँ पे इनका लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन ए वन और ये क्या हो जाएगा लेमडा के बराबर जो हमारा लॉगरिथम आ रहा है is, की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है वो है लॉगरिथम ऑफ रेशियोज ऑफ टू एम्पलीट्यूड जिन्हों एक टाइम पीरियड से सेपरेट किया गया है तो टाइम पीरियड सेपरेट किया गया एक टी पे है एक टू टी पे एक थ्री टी पे एक फोर टी पे है एंड उन दो एम्पलीट्यूड का रेशियो जो है

पावर डिसिपेशन के बारे में या कह सकते हैं एनर्जी लॉस सिस्टम में डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में कितना हो रहा है डैम्ड ऑसिलेटरी के केस में उसकी बात करनी है तो क्या बोला गया कि अगर हम डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो पार्टिकल को जैसे ही उसके इक्विलिब्रियम पोजिशन से आ, हमने डिस्प्लेस किया तो उस पर दो तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं एक तो रिस्टोरिंग फोर्स जो पार्टिकल को फिर से उसके मीन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा और दूसरा क्या था एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन था और इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो हमारा सिस्टम था वो कुछ वर्क डन परफॉर्म करता है और इस वर्क डन की वजह से जो हमारी सिस्टम की एनर्जी है वो सर्टेन उसमें लॉस आने लगता है और वो लॉस हमें हीट के टर्म्स में अपने सिस्टम में दिखाई देता है तो हमें क्या देखना है हमें इसी सर्टेन एनर्जी के बारे में बात करना है कि किसी भी सर्टेन इंस्टेंट टाइम टी पे पार्टिकल अगर हमारा डिस्प्लेस हो गया है तो उसमें क्या होगा कि कुछ सर्टेन एक एक सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट पे बात की जाए तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे सिस्टम की एनर्जी है वो डिक्रीज करने लग जाती है और इसी डिक्रीमेंट की बात करनी है या देखना है कि जो हमारा एवरेज लॉस आता है सिस्टम में वो किस रेट से आता है या किस वैल्यू सर्टेन के बराबर आता है तो अगर हम ऑसलेटरी डैम्पिंग केस की बात करें तो वहां पे किसी सर्टेन इंस्टेंट टाइम टी पे जो डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है पार्टिकल का वो क्या होता है तो सेकेंड केस हमारी क्या है पावर डिसिपेशन की बात कर रहे हैं या एनर्जी लॉस को भी हम इसे बोल सकते हैं एनर्जी लॉस इन डैम हार्मोनिक ऑसिलेटर तो क्या बोला गया कि इस डैम हार्मोनिक ऑसिलेटर या डैम्पिंग ऑसिलेशन वाली जो केस थी उस सर्टेन केस में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ रही थी वो क्या आ रही थी ए ई टू द पावर माइनस बी टी साइन बीटा टी प्लस फाइव के बराबर आई अब क्या बोला गया कि इस सर्टेन केस में डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये गिवन है अगर हमें सर्टन केस की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होगा वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम इसको डिफरेंशियट कर सकते हैं तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हमें क्या मिल जाएगा वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा ए टू द पावर माइनस बी टी इससे क्या मिल जाएगा माइनस बी फर्स्ट फंक्शन हो गया इंटू हमारा दूसरा फंक्शन प्लस क्या मिलेगा ए टू द पावर माइनस बी टी साइन का करेंगे तो कॉस बीटा टी प्लस फाइव एंड बीटा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हमने डैम्डरी के डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशियट किया तो हमें सर्टेन वैल्यू मिल गई अब यहां से क्या देखा जा सकता है कि ई टू पावर माइनस बी टी या ए टू द पावर माइनस बी टी कॉमन है दोनों ही टर्म में तो ए टू द पावर माइनस बी टी कॉमन लिया तो उसके बाद से क्या मिल गया हमें यहां पे माइनस बी साइन बीटा टी प्लस फाइ प्लस ये क्या हो जाएगा बीटा कॉस बीटा टी प्लस फाइव के बराबर तो ये जो थी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई दैट इज डी वाई बाई डी टी अब यहां पे अगर हमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालना है क्यों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की बात करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पावर डिसिपेशन या एनर्जी लॉस के बारे में बताना है तो जब तक हमें सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनके बारे में नहीं पता होगा तब तक हम एनर्जी लॉस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं तो उसी वजह से क्या देखा गया कि हमने डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया उससे वेलोसिटी निकाली अब क्या निकालना है हमे? हमें हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे सिस्टम की वो गिवेन होगी दैट इज के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज डी बाई डी टी से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हाफ एम सर्टेन इस वैल्यू का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर ई टू दावर माइनस टू बी टी इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा टी प्लस वाई प्लस बीटा स्क्वायर कॉस बीटा प्लस फाइव माइनस टू बी बीटा साइन बीटा प्लस फाइव कॉस बीटा टी प्लस फाइव ये सर्टेन वैल्यू हमारी काइनेटिक एनर्जी की मिल जाएगी अब जो है हम लोगों ने एक बहुत ही आ, अंडर डैम्पिंग केस मानी है जिसमें ऐसा सर्टेन एक केस माना है कि जो बीटा होगा वो बहुत ही छोटा होगा ओमेगा से इस सर्टेन केस को कंसिडर करते हुए हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी सर्टेन वैल्यू के बराबर आ गई अब हमें क्या निकालना है हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी गिवेन होता है सिस्टम का वो क्या होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डी एक्स एफ क्या है रिस्टोरिंग फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल की रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है इंटीग्रल माइनस के एक्स डी एक्स के बराबर तो ये क्या हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू दैट इज जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी तो यहां से जो हम सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे यू के टर्म्स में वो क्या आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को y कंसिडर किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर तो यहां से क्या देख सकते हैं कि अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हाफ K की वैल्यू क्या थी तो जब हम डैम ऑसिलेटर के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो जो हमारा K अपॉन एम जो था उसको हमने ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया था तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि K जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो यहां से क्या देखने को मिला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अब क्या कर सकते हैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर सब्सिट्यूट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट है क्या हमारा ए ई टू द पावर माइनस बी टी साइन बी टी प्लस फाइव के बराबर है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी माइनस टू बी टी हो जाएगा इसका स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू बी टी साइन स्क्वायर बीटा टी प्लस फाइव तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि हमने सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है अब अगर हमें पार्टिकल की की या जो भी हमने सिस्टम किया हुआ है है उसके टोटल एनर्जी बात करनी है, तो क्या बोला जाता है जो एवरेज टोटल एनर्जी होगी हमारे सिस्टम की वो बराबर होगी टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी तो क्या बोला गया किसी सर्टेन टाइम पे मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारा ऑसोलेट करना शुरू किया और उस ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड की एनर्जी है वो चेंज नहीं हुई तो क्या कंसिडर किया कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और उस सर्टेन के केस में जो एनर्जी थी या पार्टिकल की एनर्जी थी वो समवर्ड चेंज स्टार्टिंगली नहीं हुई दैट इज एम्पलीट्यूड जो था वो चेंज नहीं हुआ तो इस केस में क्या बोला गया कि जब एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और एम्पलीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता था ए टू द पावर माइनस बी टी और यही जो था वो फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था तो क्या बोला गया कि अगर हमारे एम्पलीट्यूड की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो उस केस में हमारा एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं होगा दैट इज ई टू द पावर माइनस बी टी जो है हम उसको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं

उसको कैलकुलेट करना है तो क्या बोला गया कि अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो हमें एवरेज पोटेंशियल निकालना है तो यहां में t phi है एंड अगर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बात की गई तो क्या देखा जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें टर्म कंटेंट है साइन स्क्वायर बीटा टी प्लस स्क्वायर बीटा टी प्लस बीटा टी प्लस कॉस बीटा टी प्लस फाइव तो हमें अगर काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम इन सारी वैल्यूज की भी एवरेज वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बोला जाता है कि जो साइन स्क्वायर बीटा टी प्लस फाइव एंड कॉस स्क्वायर बीटा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हाफ के बराबर एंड साइन बीटा टी प्लस कॉस बीटा टी प्लस फाइव की जो वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है एक एवरेज वैल्यू अगर इनकी बात की जाए तो, तो जब हमें इनके एवरेज वैल्यू की बात में पता चल चुका है तो अब यहां से हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं तो देख लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करी जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज के एवरेज की अगर बात करी जाए तो क्या मिल जाएगा हाफ एम हाफ एम ए द पावर माइनस टू बी टी यह क्या हो गया कांस्टेंट हो गया क्योंकि हमने माना है कि एनर्जी का चेंजेस नहीं हो रहा है तो ये एम्पलीट्यूड डी के नहीं करेगा अब यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा टी प्लस फाइव एवरेज वैल्यू वन तो ये क्या हो गया ब्रैकेट में बीस बी स्क्वायर इंटू एवरेज वैल्यू क्या है वन अपॉइंट टू मिल गई है प्लस बीटा स्क्वायर एंड इस सर्टेन केस में कॉस्ट स्क्वायर बीटा टी प्लस वाई की एवरेज वैल्यू क्या है हाफ है और इस सर्टेन केस में इसकी वैल्यू जो है जीरो के बराबर है तो ये हो जाएगा जीरो तो यहां से क्या देखने को मिलेगा कि अगर हमने एक सर्टेन केस कंसिडर किया है जहां पे बी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है ओमेगा से तो हम इस सर्टेन क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो क्या देखा गया या बीटा के रेस्पेक्ट में अगर यहां बात करें तो क्या बोला गया कि जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हाफ एम ए स्क्वास टू बी टर्टी दिस दिस इज इंटू कॉमन हो जाएगा तो हाफ जब कॉमन हो गया तो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा दोपहर माइनस टू बी टर्टी और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा तो ये मिल गई हमें एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर ई टू माइनस टू बीटा टू बी टी अब नेक्स्ट हमको क्या बात करनी है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो अगर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के, के केस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वैल्यू e क्या आ रही है हाफ के बराबर आ रही है तो जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली वो क्या मिली वन अपॉइट फोर एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई टू दावर माइनस टू बी टी तो हमने काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाल ली पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाल दी अब हमें सिस्टम का अगर एवरेज टोटल एनर्जी निकालना है तो हम क्या करेंगे एवरेज टोटल टोटल एनर्जी एनर्जी के लिए क्या बोलेंगे कि माल लिया कि मान लिया ई जो है है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या आई है हाफ एम ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर ई टू पावर माइनस वन अपर आई है टू बी टी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू बी टी तो देख सकते हैं दोनों ही केस में सेम वैल्यूज मिली है हमें ये ओमेगा स्क्वायर की जगह यहां पे भी होगा क्योंकि हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे बीटा कंसिडर किया हुआ है तो क्या देखा कि जो टोटल एनर्जी हमारी आ रही है वो समवर्ट ऐसी आएगी दैट इज जो एवरेज टोटल एनर्जी है ये क्या है एवरेज टोटल एनर्जी ये क्या मिलेगी हमें बीटा स्क्वायर ई टू दावर माइनस टू बी टी के बराबर अब क्या बोला गया कि जो एवरेज टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की मिल रही है वो मिल रही है हाफ एम ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू बी के बराबर अब किसी सर्टेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो की बात की जाए तो टी इज एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारी क्या होगी उस सर्टेन केस में मैक्सिमम एनर्जी मिलती रहेगी क्यों क्योंकि पार्टिकल को जस्ट डिस्प्लेस किया है एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्यों क्योंकि उस सर्टेन केस में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना शुरू नहीं किया है और जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगा पार्टिकल की एनर्जी जो है कम होने लग जाएगी देन क्या बोला गया कि एड एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो जो एनर्जी होगी पार्टिकल की या सिस्टम की एवरेज एनर्जी ही की ही बात करें एवरेज टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो मैक्सिमम होगी और मान लिया कि वो ई नॉट के बराबर होगी तो यहां से क्या देखा कि किसी एक सर्टेन टाइम टी पे जो ई e एवरेज की वैल्यू हम निकालें वो बोल दिया कि हाफ एम ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो होगा वो ई नॉट के बराबर होगा जो कि मैक्सिमम एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है इन टू ई टू द पावर माइनस टू बी हो गया तो ये थी एक एवरेज टोटल एनर्जी जो पार्टिकल हमारी कर 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 रहा रहा था था या एग्जीक्यूट अब यहां से क्या बात बात करनी है हमने energy, तो बात कर है हमने सिस्टम की की टोटल टोटल एनर्जी एनर्जी एवरेज तो ली पर हमें फाइंड करना है कि एनर्जी या पावर का डिसिपेशन कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है तो जब टोटल एनर्जी निकाल दी तो यहां से या एवरेज टोटल एनर्जी निकाल दी तो यहां से पावर के डिसिपेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं तो पावर डिसिपेशन जो था पावर डिसिपेशन के टर्म में अगर बात करें तो पावर डिसिपेशन होगा कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम दैट इज यहां पे हम रेट की बात करेंगे कि, कि किस किस रेट 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 से 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 पावर में आ रहा 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 है 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 या एनर्जी लॉस लॉस हो हो तो वो वजह एक नेगेटिव साइन लग जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी लॉस को दैट इज डी ई अपॉन डी टी हो गया तो यहां से जो पावर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई ई क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ई नॉट डी वाई डी टी ऑफ ई नॉट ई टू द पावर माइनस टू बी टी के बराबर तो यहां से अगर पावर की बात करें कि कितना पावर डिसिपेट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा माइनस पहले से है ई नॉट ई टू द पावर माइनस टू बी टी इंटू टू बी ये हो जाएगा दैट इज जो पावर हमें मिला वो क्या मिला प्लस ई नॉट ई टू द पावर माइनस टू बी टी इंटू टू बी अब क्या देखा गया कि ये जो e नॉट e टू दावर माइनस टू बी टी है वो तो एवरेज एनर्जी है एवरेज टोटल एनर्जी तो जो पावर आया वो क्या हमें मिला वो एवरेज एनर्जी दैट इज ई कैपिटल ई जो है वो एवरेज एनर्जी को बता रहा है इन टू टू बी के बराबर आया और हम पी इज इक्वल्स टू टू बी लिख सकते हैं जहां पे ई e क्या है एवरेज टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और E0 जो है है। पर पे तो यहां तक पावर की बात कर ली और यहां से क्या पता चला कि यही पावर है या आ, e B, या into, जो average total energy है वही सर्टेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा सिस्टम कितना एनर्जी लॉस कर दे रहा है या पावर में कितना डिसिपेशन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट तो ये थी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि कितना पावर लॉस हो रहा है नेक्स्ट जो है हमें बात करना है रिलैक्सेशन टाइम के बारे में तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए क्या बोला गया कि नेक्स्ट जो मेजरमेंट है वो है रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम तो रिलैक्सेशन टाइम क्या बोला गया कि रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम था जिसमें जो भी हमारा डैम हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन हो जाए या रिड्यूस कर जाए टाइम्स ऑफ़ द इनिशियल एनर्जी तो क्या बोला गया जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट किया गया जो रिलैक्सेशन टाइम था उसको टाउ से रिप्रेजेंट किया गया अब अगर हम टोटल एवरेज एनर्जी की बात करें किसी भी सिस्टम की तो अभी हमने देखा था कि जो हमारी एवरेज एनर्जी होती है वो होती है ई नॉट ई टू द पावर माइनस टू बी टी के बराबर होती है अब ये तो एनर्जी हो गई ज इक्वल टू इट पावर माइनस टू बी टी के बराबर अब यहां पे क्या बोला गया कि अगर हमें रिलैक्सेशन तो e टाइम पे? पे एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या था कि वन बाई टाइम्स ऑफ द एनर्जी किस पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू जो होगी यही होगी रिलैक्सेशन टाइम की सर्टेन एनर्जी तो क्या बोला गया कि जो हमारा पार्टिकल की टोटल एवरेज एनर्जी थी वो तो इसके बराबर थी अगर हमें रिलैक्सेशन एनर्जी की बात करनी है तो हमें क्या बोला गया से तो रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया इनिशियल पॉइंट पे अभी हमने देखा कि एट टी इज इक्वल्स टू हमारा इनिशियल पॉइंट होगा इस सर्टेन केस में जो टोटल एनर्जी हमारी थी या मैक्सिमम एनर्जी मिल रही थी वो नॉट के बराबर मिल रही थी तो ई नॉट अपॉन वन अपॉन ई क्योंकि वन बाई टाइम्स है तो ई टाउ इज इक्वल्स टू दिस मिल गया अब ये जो है रिलैक्सेशन टाइम है ये दैट इज कोई भी टोटल एनर्जी किसी भी एक टाइम पे तो जो टोटल एनर्जी हमारी गिवेन है एवरेज टोटल एनर्जी वो किसके बराबर है ये तो ये जो एनर्जी है वो ईट e आओ के बराबर होगा क्योंकि ये सर्टेन कोई एक टाइम को जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बट एक्चुअली जो टोटल एवरेज एनर्जी होगी वो तो इसी के बराबर होगी तो क्या देखा गया कि ये वैल्यू जो है इस सर्टिन के वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो ई नॉट ई टू द पावर माइनस टू बी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E not into e. तो e not, e not cancel हो जाएगा यहां से हम क्या लिख सकते हैं? और e टू दावर माइनस टू बी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन के बराबर अब यहां से हम इनका अगर लॉग ले लें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी टू बी टी इज इक्वल्स टू वन दैट इज टाइम जो होगा वो वन अपॉन बी टू बी के बराबर आ जाएगा और ये टाइम क्या होगा ये सर्टेन वो टाइम था जिस पे हमारा एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अपॉन टाइम e हो जा रहा था दैट इज इस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम को से रिप्रेजेंट करते हैं तो टाउ हमारा क्या हो गया वन अपॉन टू बी के बराबर तो ये टाउ क्या था रिलैक्सेशन टाइम तो ये हो गया हमारा रिलैक्सेशन टाइम नेक्स्ट हमें बात करनी है क्वालिटी फैक्टर के बारे में कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ डैम्ड ऑसिलेटर क्या होता है तो क्वालिटी फैक्टर की बात की गई तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो ये हमें बताता है कि हमारा जो ऑसिलेटर है वो कितना अंडर डैम्प हो गया है या कितनी डैम्पिंग बेसिकली वो शो कर रहा है तो नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वालिटी फैक्टर की क्वालिटी फैक्टर ऑफ डैम्ड ऑसिलेटर तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्यू से डिनोट किया जाता है एंड इज इक्वल्स टू टू पाई इन एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर इंटू एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर अपॉन पावर डिसिपेटेड या एनर्जी लॉस भी बोल सकते हैं पावर डिसिपेटेड इन वन टाइम पीरियड तो इसको हम पावर डिसिपेटेड को एनर्जी लॉस भी बोल सकते हैं तो यहां से क्वालिटी फैक्टर देखा गया तो क्या बोला गया कि Q इज इक्वल टू टू पाई एनर्जी स्टोर्ड इन ऑसिलेटर क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड E था जो कि E के e बराबर था तो इतनी जो टोटल एनर्जी हमारे अब पावर डिसिपेशन की बात की जाएगी तो पावर इन टू टाइम पीरियड हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा ये हो गया अब ये जो एनर्जी थी वो क्या थी ई नॉट ईट द पावर माइनस टू बी टी के बराबर थी ठीक है तो ये हमारी एवरेज टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था और इतनी ही एनर्जी पार्टिकल हमारा सिस्टम ऑसिलेटर स्टोर किया रहेगा तो यहां से क्या मिल गया टू पाई ई पावर हमने निकाल रखा है तो पावर की जो वैल्यू हमारी आई थी सर्टेन केस में वो हमारी क्या आई थी टू बी ई के बराबर आई थी तो यहां से क्या देखा गया ये तो हो जाएगा टू बी ई के बराबर और टाइम पीरियड है वन टाइम पीरियड और टाइम पीरियड कैसे गिवन होता है टू पाई अपॉन बीटा टू पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो यहां से क्या हो जाएगा टू पाई अपॉन बीटा तो जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी टू पाई टू पाई कैंसिल आउट ई कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा बीटा अपॉन टू बी के बराबर मिल जाएगा और ये वन अपॉन टू बी डेट इज क्यू क्वालिटी फैक्टर क्या मिल गया हमें बीटा अपॉन टू बी के बराबर मिल गया और ये जो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा वो क्या मिलेगा हमें जो क्वालिटी फैक्टर था वन अपॉइंट टू भी किसके बराबर था रिलैक्सेशन टाइम के बराबर तो वन अपॉइंट टू भी हमारा क्या हो गया रिलैक्सेशन टाइम के बराबर तो यहां से जो क्वालिटी फैक्टर क्यू मिला है वो बीटा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है अपॉन टू बी एंड टू बी इज वॉट वन अपॉन दैट इज रिलैक्सेशन टाइम टाउ तो वन अपॉइंट इज इक्वल्स टू तो जो हमारा क्वालिटी फैक्टर आ गया वो क्या आ गया बीटा इंटू रिलैक्सेशन टाइम तो बीटा जो है हमारा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड टाउ जो है वो क्या है हमारा रिलैक्सेशन टाइम है तो क्वालिटी फैक्टर जो था वो हमारा क्या मिल गया क्यू इज इक्वल्स टू बीटा इंटू रिलैक्सेशन टाइम तो ये

पार्टिकल जो है कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है कितना पावर डिसिपेट कर रहा है उसकी वैल्यू निकाली देन आफ्टर हम लोगों ने क्या देखा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है एंड उसके बाद हम लोगों ने अपने जो भी डैम्ड ऑसिटर था उसके क्वालिटी फैक्टर के बारे में जाना तो आज के वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में थैंक यू सो मच